KSN 24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानिशी और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बलौदाबाजार जिले के नगर भटगांव में एक व्यक्ति को किडनैप कर महाराष्ट्र के मनमाड़ के खंडहर में बंद कर कुर्सी में बांध कर रखने का मामला सामने आया है। दरअसल 17 दिसंबर को भटगांव निवासी अपने फूफा के घर बिशनपुर जाने के लिए भटगांव बस स्टैंड में खड़ा था, तभी अचानक एक सफेद कार में कुछ अज्ञात लोग आए और उन्हें पूछने लगे कि आप कहां जाओगे। पीड़ित ने बिशनपुर जाने की बात कही। अज्ञात कार वालों ने उन्हें लिफ्ट देकर बिशनपुर में छोड़ने की बात कहकर कार में बैठा कर ले गए। जैसे ही बिशनपुर पहुंचे, पीड़ित ने उन्हें नीचे उतारने को कहा, जिस पर कार में सवार अज्ञात लोगों ने उन्हें गाली गलौज कर कहने लगे कि अब तुम वहीं उतरोगे जहां हम कहेंगे। हाथ बांह पकड़ कर गाली गलौज कर रायपुर नागपुर होते हुए महाराष्ट्र के मनमाड़ के खंडहर में कैद कर कुर्सी में बांध दिया और एक चौकीदार के निगरानी में रख चले गए। वहीं रात होते ही कुर्सी में बांधे रस्सी को खोलने में कामयाब हो गया और कुर्सी से खिड़की में लगे दरवाजे को तोड़ दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकला, तभी चौकीदार ने भागते देख पीड़ित के गले को दबोच लिया। जैसे ही पीड़ित की सांस कम होने लगी, उन्होंने सूझबूझ कर चौकीदार के गर्दन को दबोच लिया, जिससे चौकीदार ने पीड़ित के कानों को काट लिया। जिसके बाद दूसरे हाथों से पीड़ित ने फिर गर्दन को दबोचा, जिससे चौकीदार ने फिर उंगली को काट लिया। पीड़ित ने किसी तरह उनसे छुड़ा कर भागते भागते कुछ दूरी पर स्ट्रीट लाइट की प्रकाश देखी, वहां से सीधा पूछताछ करते रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन से ही किसी यात्री की मोबाइल से अपने घर कांटेक्ट कर अपने आप बीती सुनाई और स्वस्थ एक दो दिन में घर पहुंचने की जानकारी दी। इधर घर पहुंचते ही पीड़ित अपने पुत्र के साथ भटगांव थाना पहुंचा और उन अज्ञात किडनैपरों के खिलाफ FIR दर्ज कराया। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी देशमुख ने मामला पंजीबद्ध कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, एक रोहित बघेल है, भटगांव का रहने वाला है। वो थाना आकर बताया कल दिनांक 21/12/19 को कि वो 17/12/19 को रिश्तेदारी में बिशनपुर जाने के लिए बस स्टैंड में खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा था, तभी इनके पास एक कार रुकी, जिनसे इसने बोला कि बिशनपुर जाना है करके उनने उसमें लिफ्ट लेके ये चला गया। बिशनपुर पहुंचने के बाद इसने, इनका कहना यह है कि इसको उतारने बोला तो नहीं उतारे और डरा धमका कि इनको महाराष्ट्र ले गए। वहां मनमाड़ में ले जाकर एक शहर के बाहर बना हुआ 3 किलोमीटर की दूरी में करीब सुनसान इलाके में बना हुआ पुराना गोदाम था, वहां इसको अंदर में बंधक बना के रखे थे। इसने कुर्सी से खिड़की का पल्ला तोड़कर बाहर निकलकर 19 तारीख को वहां से पका है। सर, उनके साथ किसी प्रकार की कोई लूटपाट वगैरह किया गया? लूटपाट की जानकारी तो अभी तक नहीं आई है। इसने बताया कि इसके पास पैसा था वाजपेयी के समय, उसी से टिकट कटा के आया और मोबाइल भी उनके पास रह गए। कितने लोग थे सर उनके साथ में जो कितने करके लेके गए थे? 4 आदमी बताया इन्होंने और सभी आपस में मराठी में बात कर रहे थे। सर, किसी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। किडनैप के कारण क्या बता रही सर जी? किडनैप के कारण क्या बता रहे हैं? हाँ, कोई कारण स्पष्ट नहीं बता पा रहा है, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों ले गए थे। सर, यहाँ तक फिर वहाँ से कैसे पहुँचे, किस माध्यम से वो पहुँचे यहाँ? वो उनका कहना यह है कि रात में जैसे ही खिड़की तोड़ के बाहर निकला, ये वहाँ पर अंधेरा था, प्रकाश देखते देखते शहर तक पहुँचा, जो मनमाड़ था, वहाँ स्टेशन में पहुँच के टिकट कटा के आया। सर, पीड़ित और आरोपियों को किसी प्रकार की पहचान हो पाई है क्या? गुलिया बताया है, उस गुलिया के हिसाब से देख चेक कर रहे हैं। KSN 24 न्यूज़ के लिए बलौदाबाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट।